भैंस के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत। आपने सुना होगा कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो आप यही कहेंगे कि अक्ल जनाब, यहाँ बात दूसरी है। यहाँ भैंस बड़ी हो गई और यही वजह रही कि भैंस की अकड़ कम करने के लिए भैंस के मालिक पहुँच गए पुलिस थाने। मामला थोड़ा अजब गजब है कि कैसे भैंस को पुलिस ने सबक सिखाया और क्या भैंस के मालिक को मिला नहीं आए। भाई जानता हूँ आप चौंक गए होंगे और जहन में विचार उठा होगा कि यह क्या मामला है। भला भैंस के खिलाफ शिकायत पुलिस थाने में कौन बुद्धिमान व्यक्ति लिखवाने चला गया होगा। बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, जानता हूँ, पर हकीकत यही है कि एक व्यक्ति भैंस को लेकर पुलिस थाने पहुँच गया और पुलिस से गुहार लगाई कि उसके भैंस को समझाए बुझाए ताकि वो सुकून से भैंस का दूध दूह सके। देखे, यही भैंस का मालिक है जो अपने भैंस से दुखी होकर भैंस को सीधे पुलिस थाने लाकर बांध दिया, यह सोचकर कि पुलिस को देखने के बाद भैंस की अकल ठिकाने आ जाएगी। इस विषय पर हमारे सहयोगी ने भैंस के मालिक से बात किए तो देखे कितने मासूमियत के साथ भैंस के मालिक ने जवाब दिए। थाने में भैंस लेकर क्यों आए हो तुम? सर, जो है हमारी भैंस दूध दुहने नहीं देती है। दूध दुहने नहीं देती है तो पुलिस से क्या चाहते हो? सर, मदद चाहते हैं कि हमारी भैंस दुहने लगे। अच्छा, दुहाने में मदद करे पुलिस तुम्हारी? दुहाने में मदद करे सर। अच्छा, मदद कर देंगे फिर क्या? फिर एहसान बंद रहूंगा सर आपसे। अच्छा, पुलिस के एहसान बंद रहोगे मतलब? फिर आता ही है सर, जो भी ला रहे लाते हैं सर। ठीक है, चलो ठीक है। और कोई समस्या? बस क्या समस्या तुम्हारी? यही है? यही समस्या है और हमारी समस्या कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, आपके सर जी है। वहीं जब पुलिस अधिकारी से भैंस के शिकायत पर बात की गई तब पुलिस अधिकारी ने हकीकत बयां किए। उन्होंने यह भी कहे कि समाज में नागरिकों की पुलिस विभाग में बैठे पुलिसकर्मियों से बहुत अपेक्षा है। हमारी यही कोशिश होगी कि हम सबों के कार्यप्रणाली से नागरिक संतुष्ट हो। सुने पुलिस अधिकारी ने भैंस और भैंस के मालिक के विषय में क्या बताया। जी, ये थाना नयागांव का मामला है। ये दोपहर में पहले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है छोटेलाल जाटव और जिनकी उम्र 45 साल, नयागांव के ही निवासी हैं। पहले थाना प्रभारी के समक्ष पेश हुए थे। इन्होंने बताया कि इनकी भैंस दूध दुहाने नहीं दे रही है, मतलब दूध निकालने नहीं दे रही है, ऐसा इन्होंने शिकायत किया। फिर बाद में लगभग 3-4 घंटे के बाद ये पुनः थाने पे आते हैं और भैंस लेकर के ही आ गए और भैंस थाने के बाहर इन्होंने बांध दिया। इससे थाना प्रभारी ने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि मेरी भैंस दुहाने नहीं दे रही है, मुझे आपसे मदद चाहिए ही चाहिए। फिर थाना प्रभारी ने उनसे जब बात की तो पता चला कि ऐसी, हालांकि उनकी बातों से लग नहीं रहा था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, मासूम जरूर लग रहे थे। और उनसे बातों में चीजें सामने आई कि लगभग 1 महीने पहले उन्होंने भैंस खरीदी थी। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन सीमित होते हैं और ये इसकी वजह से परेशान रहे होंगे और गांव में माहौल रहता है कि तांत्रिक वगैरह टोटका वगैरह का माहौल, तो लोगों ने उनको बताया होगा आप थाने में जाइए, आपको थाने में मदद मिलेगी। ठीक है, लोगों की पुलिस की अपेक्षाएं हैं, उसका सम्मान करते हैं। उनको फिलहाल समझा बुझा करके भेज दिया गया है। फिर भी अगर इनसे हम जो भी मदद कर सकते हैं पूरी कोशिश होगी, मदद करेंगे इनकी। इस समय एक सवाल उठता है कि पुलिस उसकी मदद करेगी कैसे? अगर उनको समझा बुझा करके इन्हीं बातों पर भेज दिया गया है, हालांकि वो फिर भी पुलिस से उनको मदद चाहिए, उनकी अपेक्षा है। मैंने जैसा कि पहले कहा, उनका हम उनकी अपेक्षाओं का सम्मान करते हैं। फिर भी अगर वो आते हैं और मदद मांगते हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं देखते हैं, उनसे कोशिश करेंगे उनको संतुष्ट करने की हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो पुलिस की कार्रवाई से जो कुछ भी हम कर सकते हैं संतुष्ट हों। जैसा कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने समझा बुझा के भैंस के मालिक को भेज दिया है, पर सच कहें हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि हम भैंस से बात कर लेते कि पुलिस थाने पहुंचने के बाद उसकी अकल ठिकाने आई या नहीं। अगर वो बोल देती तो शायद वह भी हम आपको दिखा देते कि भैंस का क्या कहना था। फिलहाल हमारे देश में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अकल से ज़्यादा बड़ा भैंस नज़र आता है। वैसे उन्हें ज़रूर यह कहना चाहेंगे कि देखने और समझने का नज़रिया बदलिए, अगर नहीं बदले तो अकल छोटी और भैंस बड़ी नज़र आएगी।